हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। केरल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क किया अनिवार्य। जी हां, केरल सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। राज्य में कोविड के फिर से उभरने का खतरा है और केरल सरकार ने अपने आदेश में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश अगले 30 दिनों तक लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी को बनाया जाएगा पर्यटन स्थल, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के उत्तरी छोर पर स्थित सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा के महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। फिलहाल ये जगह स्थानीय लोगों के पर्यटन के लिए पहली पसंद है, लेकिन अब पर्यटन स्थल क्षेत्र घोषित होने से यह बेहतर रूप से विकसित होगी। एम्स में सर्वर अटैक के बाद अभी तक नहीं हुए हालात सामान्य, मरीज हुए परेशान। जी हां, एम्स में हुए साइबर अटैक के बाद स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है। अस्पताल का सर्वर काम करते करते बंद हो रहा है, जिससे मरीज परेशान हो गए हैं। सर्वर बंद होते ही मरीजों को मिनटों के काम के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी मरीजों को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। 10 करोड़ से अधिक आयुष्मान खाता स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हुई डिजिटल। जी हां, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉक्टर RS शर्मा ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा अब तक 30 करोड़ से अधिक नागरिकों ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में रजिस्टर किया है। भारत से 3 युद्ध लड़े, पाकिस्तान सबक सीख चुका है। कंगाली में बदले पाकिस्तान के PM के सुर। जी हां, पाकिस्तान में बेहद ही खराब माहौल के बीच पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भारत के PM मोदी से बात करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबक सीख चुका है और अब वह शांति से रहना चाहता है। अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। वेयर हाउस में रखी फसल पर किसान ले सकेंगे कर्ज, सरकार ने तैयार की योजना। जी हां, किसानों को गोदामों में रखी हुई अपनी उपज पर आसानी के साथ कर्ज मिल सकेगा। किसानों को खेती के खर्चे के लिए सस्ता लोन देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ MOU साइन किया है। MOU के तहत WDRA के साथ रजिस्टर्ड गोदामों से जारी इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रसीद पर किसानों को कर्ज दिया जाएगा। चीन के विकास दर की हालात खराब, 2022 में 3% की दर से बढ़ी इकोनॉमी। जी हां, चीन की अर्थव्यवस्था 2022 में 3% की रफ्तार से बढ़ी है, सरकार ने इससे जुड़े हुए आंकड़े जारी किए हैं। चीन की विकास दर बीते साल पिछले 40 वर्षों में सबसे कमजोर रही है। दिसंबर में चीन के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 1.3% की ग्रोथ दिखाई दी है, जबकि रिटेल बिक्री में 1.8% की गिरावट आई है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।